साइकिल चलाते वक्त जब आपके सामने कोई आ जाता है तो आप ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी क्यों नहीं बजाते हैं? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. तो पहले हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको किस किस सामान की जरूरत होगी। यह है एक बेस, इसके लिए मैंने फ्रूटी के बॉक्स की दो शीट्स काटी और उनके उनको ग्लू लगा के पेस्ट कर दिया और उसके ऊपर एक A3 साइज का पेपर फोल्ड कर दिया। ये होल मैंने अभी थोड़ी देर पहले किए हैं। इसके बाद आपको चाहिए थोड़े से डायोड, और क्योंकि मैं इसमें एक इंडिकेटर बनाने वाला हूँ जो 220 वोल्ट पे काम करेगा, उसके लिए हमें चाहिए एक 64K का 1 वोल्ट का रेजिस्टेंस और एक 3 वोल्ट की LED। इसके बाद आपको चाहिए नॉर्मल से बटन, एक ट्रांसफार्मर जिस पे ये पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। यहाँ पे मैंने 606 ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, इसको मैं आपको बाद में चेक करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद आपको चाहिए एक 1000 UF का कैपेसिटर, आप कोई और वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी एग्जैक्ट जो ट्रांसफार्मर की वैल्यू है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसमें मैं सोल्डरिंग करूंगा, इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सोल्डरिंग मटेरियल और एक सोल्डरिंग आयरन। और इस सब को पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करूंगा ग्लू गन, ठीक है। और आपको चाहिए होंगी थोड़ी सी ग्लू स्टिक्स, ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, आपकी यूजर्स पर डिपेंड करता है। और बेस में होल करने के लिए आप थंब पिन या फिर मल्टीमीटर की प्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको वोल्टेज चेक करके भी दिखाऊंगा, इसलिए मैंने लिया है कुछ मल्टीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको इस 606 ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होंगी कुछ ऐसी प्रॉप्स और एक मल्टीमीटर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसको 220 वोल्ट एसी में लगाया है इसलिए मैंने सेफ्टी ग्लव्स भी पहन लिए हैं। ये है मेरा मल्टीमीटर। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसके दो एंड्स पे क्रोकोडाइल क्लिप्स लगा ली हैं। इसको हम सेट करेंगे 250 वोल्ट एसी पे, सॉरी 200 वोल्ट एसी पे। अब हमारे मल्टीमीटर में, हमारे ट्रांसफार्मर में से 3 वायर्स आ रही हैं, एक ग्रीन, एक और ग्रीन, एक ब्लैक। अब ब्लैक में हम मल्टीमीटर की ब्लैक वाली वायर को अटैच करेंगे, इसको हमने अलग रखा। और जब मैं आपको इस पॉइंट की वोल्टेज दिखाऊं, इस साइड में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उस साइड में आपका एसी करंट आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं 6.4 वोल्ट एसी और यहाँ पे भी आ रहे हैं 6.4 वोल्ट एसी। अगर आप ग्रीन वाले पे दोनों प्रॉप्स लगा देंगे तो ये ऐड हो जाएंगे 13.2 वोल्ट। पहले मैंने ऐसे एक वायर लिया जो कि आपको कहीं भी 20 रुपए के आसपास मिल जाएगी। इसके जो दो पॉइंट हैं इनको मैं अपने मॉडल के बेस में लगाऊंगा, उसके बाद देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपने प्रोजेक्ट पे कितना काम किया है। पहले तो जो मैंने आपको वायर दिखाई थी उसको मैंने यहाँ पे दो होल्स में से पास कर लिया है। इसके बाद मैंने इस पर 3 वोल्ट की LED लगाई है और मैंने इस पर एक ट्रांसफार्मर हॉट ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर लिया है, जिसकी जो ये दो इनपुट की तार हैं ये रहेंगी इस साइड इस तरह से, और बाकी की जो 3 तार हैं ये रहेंगी आगे की तरफ। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। पीछे से जो 2 तार मैंने पास की थी उनके आगे मैंने एक नॉट लगा दी है, ताकि हल्के फुल्के खींचने से ये जल्दी से निकले ना। इसके बाद जो मैंने आपको LED दिखाया था उसके 2 लेग्स यहाँ पे हैं और ट्रांसफार्मर के भी मैंने होल नहीं किए हैं। ये एक बटन है जिसकी रेटिंग आप अभी
अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ये देखिए इसके लिए मैंने एक होल अपने बेस में बना लिया। अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। अब ये अच्छे से फिक्स हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। अब मैं इस वायर को इस बटन पे कनेक्ट करूंगा और इस वायर को इस बटन पे कनेक्ट करूंगा, और ये जो दोनों वायर है रेड और ये वाली रेड, इनको मैं डायरेक्ट कर दूंगा। अब इस प्रोजेक्ट में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये मेरा बेस है, इसमें मैंने एक ट्रांसफार्मर लगाया है, एक 3 वोल्ट की LED लगाई है, एक इनपुट की तार लगाई है, जिसके दूसरे साइड पे एक ये प्लग है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया है। मैंने क्या किया है, ये जो दो मेरी तार आ रही हैं, यानी कि जो मेरी इनपुट की दो तार आ रही हैं, और ये है LED का बैक साइड। पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर का सर्किट बताता हूँ। एक तार जा रही है यहाँ पे, ये है स्विच, यहाँ से जा रही है ट्रांसफार्मर पे, और जो दूसरी वायर है वो ये रही ट्रांसफार्मर की, जो कि यहाँ से होते ही दूसरी लाइन में तक जा रही है, यानी कि ट्रांसफार्मर और मेन सप्लाई के बीच में एक बटन है। अब मैं आपको बताता हूँ LED का सर्किट। LED जो है डायरेक्ट है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंडिकेटर का काम कर रही है। तो फिर जो एक वायर है वो जा रही है यहाँ पे, इससे एक IN4007 का डायोड कनेक्ट है, जो कि जा रहा है नेगेटिव वायर में, यानी कि नेगेटिव ऑफ LED, यानी कि छोटा लेग। इसके बाद जो बड़ा लेग होता है जो पॉजिटिव है, उसमें मैंने 63K का 1 वॉट का रेजिस्टर लगाया, जो कि जा रहा है दूसरी वायर में, यानी कि जो LED का सर्किट है वो सिर्फ इतना है। यहाँ पे एक तार, यहाँ पे दूसरी तार। इसमें आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि ये सिल्वर लाइन इस तरफ हो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब मैं आपको इतना चेक करके दिखाता हूँ। ये प्लग है, तो ये हमारी LED जल रही है। मैंने प्लग निकाला तो ये LED हो गई। ये हमारा LED इंडिकेटर 220 वोल्ट का। इसके बाद मैंने ट्रांसफार्मर की एक वायर को नीचे कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और दो वायर लिए हैं, ये है 6 वोल्ट AC और ये है न्यूट्रल। अब मैं आपको पीछे साइड से दिखाता हूँ। तो फिर पहले आप ये देखें, यहाँ पे मैंने डायोड लगा दिए हैं। समझने वाली बात ये कि अगर आपका मॉडल इस तरह से है तो फिर आपको डायोड इस तरह से लगाने हैं, यानी कि यहाँ पे सिल्वर लाइन, यहाँ पे सिल्वर लाइन, यहाँ सिल्वर लाइन और यहाँ सिल्वर लाइन। आपको ये ग्रीन वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट करनी है, ये ब्लैक वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट करनी है। ये 4 पॉइंट है डायोड के, और ये है ट्रांसफार्मर की वायर, ये है एक्स्ट्रा वायर जो कि मैंने काटी नहीं। एक यहाँ पे मैंने टच की, एक यहाँ मैंने कनेक्ट कर, दोनों वायर मैंने कनेक्ट कर दी है। ये वाला सर्किट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको हम यहीं पे टेप लगा के ऐसे ही रख देंगे। ये है कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू है 1000 EF 25 वोल्ट। आपको जो कैपेसिटर के वोल्ट हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो कैपेसिटर के वोल्ट हैं वो 6 वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए, या फिर कहें तो 12 वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर आपके जो कैपेसिटर की UF है, यानी माइक्रोफेराइड, वो सेम होनी चाहिए 1000 UF के, क्योंकि अगर आप इससे कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं तो आपके जो वोल्टेज हैं जो ट्रांसफार्मर में से आएंगे वो थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे होल्ड करके लगाने वाला हूँ। ये जो कैपेसिटर है इसमें जो बड़ी वाली लेग है ये पॉजिटिव, और जो छोटी वाली लेग है ये नेगेटिव। तो बात समझने वाली ये है, ये जो रेक्टिफायर है इसकी साइड ये होती है पॉजिटिव, और हम यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव, यानी कि ये बड़ी वाली लेग, ये बड़ी वाली लेग को हम यहाँ ला लेंगे और ये छोटे वाले लेग को हम उसके नीचे वाले होल में डाल देंगे। बाकी का कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग जो है वो इस तरफ रखनी है और नेगेटिव लेग जो है इस तरफ रखनी है, उसी तरह से मैंने
इस पॉइंट को, जो ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने इसके पॉजिटिव से और इस पॉइंट को मैंने इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। ये वाली वायर यहाँ से कनेक्ट है और ये ब्लैक वाली वायर यहाँ से कनेक्ट है। पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जो पॉजिटिव है ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है, ये इस साइड कनेक्ट है यानी कि इस साइड, और एक कैपेसिटर का नेगेटिव है ये है इस साइड कनेक्ट यानी कि इस साइड, और इन दोनों पॉइंट पे ट्रांसफॉर्मर की वायर कनेक्ट है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरह की एलईडी यूज करें जैसे कि ये छोटी वाली जो 3 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, ये ब्लू कलर, ये रेड कलर, रेड कलर मैंने इंडिकेटर पे यूज़ किया है तो फिर, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला 1K का रेजिस्टेंस ये आपको लगाना पड़ेगा पहले। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इस टाइप की बटन एलईडीज का यूज़ करूँगा जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाना पड़ेगा। मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ 9 वोल्ट की बैटरी से, क्योंकि 9 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो जाती हैं। यह ब्लू कलर, ये ब्लू कलर की एलईडी है, और ये ग्रीन कलर की एलईडी है। ये 2-3 और कलरों में भी आती हैं, आप कोई भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ब्लू कलर। हाँ तो फ्रेंड्स, लास्ट प्रोसेस जो है वो है एक एलईडी लगाना। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं एक बटन एलईडी यूज़ करने वाला हूँ, तो फिर यहाँ पे मैंने उसका पॉजिटिव टर्मिनल रखा है और यहाँ पे मैंने उसका नेगेटिव टर्मिनल रखा है। बैक साइड पे ये उसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव। जो पॉजिटिव है ये कैपेसिटर को कनेक्ट है, और कैपेसिटर का ये वाला लगा आपको पता है कि यहाँ से कनेक्ट है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये कैपेसिटर का नेगेटिव, सॉरी ये कैपेसिटर का पॉजिटिव, ये एलईडी का पॉजिटिव, और ये रेक्टिफायर का पॉजिटिव, ये रेक्टिफायर का नेगेटिव, ये कैपेसिटर का नेगेटिव, ये एलईडी का नेगेटिव। अब मैं आपको उसका वर्किंग दिखा देता हूँ एक बार। इस पर अभी हम डायग्राम वगैरह बना के आपको दिखाएंगे जिससे ये और भी अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा फ्रेम दिख रहा होगा, पूरा मॉडल आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इतना स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से एक बना सकूँ टॉपिक, या फिर जो ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है डायग्राम। और यहाँ पे अभी मैं इसकी जो आउटलाइन वगैरह कनेक्शन जो है उसका भी एक सर्किट डायग्राम बनाऊँगा, तो फिर उसको मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा, एक पिक शेयर कर दूँगा आपके साथ। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। ये बटन अभी ऑफ है, देख सकते हैं, ये बटन अभी ऑफ है। अब मैंने ये प्लग लिया, इसको मैंने इस सर्किट में लगाया, सॉरी ये बटन अभी ऑन था, अभी ये ऑफ है। ये एलईडी हमेशा जलती रहेगी, चाहे आप इसको ऑन रखें ऑफ रखें। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये ऐसे करंट जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। ऑन करते ही आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एलईडी जो है काफ़ी तेज़ ग्लो कर रही है। शायद वो कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी तेज़ ग्लो कर रही है। मैं आपको उसकी वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ। ये मल्टीमीटर मैंने आपको पहले दिखाया था, अब क्योंकि हम डीसी पे कर चुके हैं इसको, तो मैं डीसी 20 वोल्ट रेंज पे रखता हूँ। मैंने प्रॉपर्ली, और मैं आपको डायरेक्ट एलईडी की ही वोल्टेज चेक करा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा एलईडी की अभी जो वोल्टेज है वो कम आए, क्योंकि एलईडी कनेक्ट है। अगर एलईडी कनेक्ट नहीं होती तो इसमें पूरी वोल्टेज भी शो होती। तो ये मैंने आपको बताया पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये देखिए 4.65 वोल्ट। अगर एलईडी यहाँ पे कनेक्ट ना हो तो इसकी वोल्टेज पूरी 6 वोल्ट के अप्रोक्स दिखाएगा।
तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा कंप्लीट करने के बाद ये कैसा लगेगा।